नमस्कार। आईपीएल का ये क्वालिफाइंग राउंड से पहले का आखिरी पड़ाव है। आईपीएल का 55वां मैच है दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। इन दोनों टीमों को देखें तो ये कहा जा सकता है कि दोनों टीमें जो कप की क्वालिफायर्स में पहुंचने वाली थी, अब उनकी हालत खराब होती नजर आ रही है। इस मैच में क्या होगा, आप देख रहे हैं अड्डा 52 प्रेजेंट्स द क्रिकेट शो इन एसोसिएशन विद डेली मोशन, ओनली ऑन गो न्यूज इंडिया। आईपीएल के 55वें मैच में भिड़ंत है दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। दिल्ली ने अब तक 13 मैच खेले हैं, उनमें से 6 में उनकी हार हुई है। हाथ में 14 पॉइंट जरूर हैं, पर अब टीम की हालत काफी पस्त हो चुकी है, क्योंकि पिछले 4 मैचों में से टीम एक भी मैच जीत नहीं पाई है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये टीम बहुत जल्द विदा ले लेगी। टीम के असिस्टेंट कोच मोहम्मद कैफ का कहना है कि हमारे कुछ की प्लेयर्स को हमें वापस बुलाना होगा अगर हमें अगले मैच में जीत हासिल करनी है तो। पर अब सही में दिल्ली के लिए आगे की राह काफी मुश्किल लग रही है, क्योंकि ऐसे मोड़ पर आकर 4 मैच लगातार हारना चिंता की बात है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अगर बात करें तो उनकी हालत दिल्ली से कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। उतने ही मैच जीते हैं, उतने ही मैच हारे हैं, उतने ही मैच खेले हैं, और इन्होंने अपने पिछले 3 मैच हारे हैं, जो चिंता का विषय है। और अब इस टीम के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का भी यही कहना है कि हमारी टीम अगले मैच में और जोर और ज़्यादा शोर से मैदान में उतरेगी। पर अब सवाल ये है कि जब दोनों ही टीमें ये बात कह रही हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब वो क्वालिफायर्स के दरवाजे पर खड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि करो या मरो की स्थिति होगी। मुकाबला टक्कर का होगा। इन दोनों टीमों के बीच क्या इतिहास रहा है अब तक इस आईपीएल में, बताएंगे हमारे सहयोगी साहिर। शुक्रिया दारिन भाई। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आईपीएल 2020 का 55वां मुकाबला आज खेला जाएगा। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सीधे प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, जबकि दूसरी तरफ हारने वाली टीम की किस्मत दूसरी टीमों पर निर्भर करेगी। तो हम एक नजर डालते हैं कैसा है इन दोनों टीम्स के बीच अब तक का हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो दिल्ली और बेंगलोर के बीच आईपीएल में अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं। ये काफ़ी अच्छा नंबर है, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है दोनों टीम जिसमें। और इन 24 मुकाबलों में बेंगलोर ने 14 और दिल्ली ने 9 मुकाबले जीते हैं, जबकि एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ है। बात करी जाए पिछले 5 मुकाबलों की, तो दिल्ली ने 3 और बेंगलोर ने 2 मुकाबले जीते हैं। एक और चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे, बेंगलोर ने दिल्ली के खिलाफ आखिरी जीत 2018 में हासिल करी थी। तो काफ़ी वक्त हो चुका है, इस सीज़न में भी ये दोनों टीम से एक बार आमने सामने हुई थी। अब दिल्ली ने बेंगलोर के खिलाफ पहला मैच 59 रनों से जीता था। कुछ ऐसे रिकॉर्ड जो इस मैच में बन सकते हैं, विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान अगर 4 छक्के और मारते हैं तो T20 क्रिकेट में अपने 300 छक्के पूरे कर लेंगे। रोहित शर्मा, सुरेश रैना और MS धोनी के बाद ये कारनामा करने वाले वे 4th भारतीय खिलाड़ी होंगे। उन्हीं के साथ ही खिलाड़ी एबी डिविलियर्स अगर 61 रन और बनाते हैं तो आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 500 रन पूरे कर लेंगे। दिल्ली के ही कप्तान श्रेयस अय्यर अब तक 2095 रन बना चुके हैं। अगर वे 80 रन और बना लेते हैं तो आईपीएल में दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा रन के मामले में वीरेंद्र सहवाग, जिनके नाम 2174 रन थे, को पछाड़ कर पहले नंबर पर आ जाएंगे। साहिर, दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो का मामला है, अब बताइए कि क्या प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव की संभावना है? जी बिल्कुल, एक नज़र डालेंगे संभावित प्लेइंग 11 पर, कुछ चेंजेस होने की संभावना है। दिल्ली की टीम में एक बदलाव देखने को मिल सकता है, प्रवीण दुबे की जगह अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में इसरू उदाना की जगह मोइन अली और गुरकीरत सिंह मान की जगह शिवम दुबे को मौका मिल सकता है। बहुत ही अहम मुकाबला है ये। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पर। श्रेयस अय्यर जो कप्तान भी हैं, पृथ्वी शाह, ऋषभ पंत, शिखर धवन, शिमरन हेटमेयर, मार्कस स्टॉइनिस, हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा, प्रवीण दुबे या अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन और एनरिक नारकिया। एक नज़र रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पर। विराट कोहली, देवदत्त पड्डिकल, एबी डिविलियर्स, जोश फिलिपे, वॉशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल, मोइन अली या फिर किशोरू उदाना, गुरकीरत सिंह मान या शिवम दुबे, मोहम्मद सिराज और क्रिस मॉरिस।
शुक्रिया साहिर। और अंत में आज का सवाल, सवाल ये कि अभी तक के पूरे आईपीएल में वो कौन सा गेंदबाज है जिसके नाम बेस्ट बोलिंग एवरेज का रिकॉर्ड है? जवाब है दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बोलर कागिसो रबादा। और अगर बोलिंग एवरेज की बात करें तो वो है 17.98। वैसे आपको बता दें कि ये गेंदबाज इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने की लिस्ट में भी दूसरे नंबर पर चल रहा है। आप देखते रहिए अड्डा 52 प्रेजेंट द क्रिकेट शो इन एसोसिएशन विद डेली मोशन ओनली ऑन गो न्यूज इंडिया।